तो ये रहा हमारा गणपति। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज भी हम जाने वाले हैं मूर्ति गणपति पापा को लेने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, क्योंकि इस बार ये पापा ने इस बार हमारे साथ तो थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। और बाय द वे, इस बार अपना कैमरामैन है नहीं, तो एक मेरा दोस्त है स्कूल का, तो वो शिट मैं ही बात कर रहा था मैं इसका मतलब शिट 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 शिट। तो अभी मैं जा रहा हूँ फटफट, दोस्त आया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमारा गणपति आ गया। मैं धीरे बात करके, मम्मी कुछ काम कर रही है और फोन पे बिजी है, तो ये रहा हमारा गणपति। तो The next day. टैंकर पे देखो जरा क्या लिखा है, ले ले ले। ओहो, मतलब भाई फुल पब्लिक सिटी चल रहा है। मतलब भाई अगर ये अगर कोई बादशाह बिच्छा ने देखा तो भाई को अटैक आ जाएगा। भाई मेरे दोस्त के साथ हूँ, सुनील के साथ, हाय बोल दे। तो अभी मैं ऑफिस में था, ऑफिस से मैं निकल गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। तो अभी देखता हूँ, मतलब थोड़ा सा जा रहा है अभी। तो मैं सोचा ये भाई तेरा गाना बंद कर, थोड़ा सा बात कर लो, चेहरे पे मत जाना, बाल भी देखो आड़े टेढ़े हो गए, तो इग्नोर कर देना। अभी मैं घर पे निकल रहा हूँ, देखता हूँ, मैं अभी फुर्सत में आपसे शायद मिलता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय कर दो। अभी जस्ट पाम बीच से आ रहा था, तो मुझे अभी एक चीज बहुत अच्छी से याद आई कि मतलब मेरे को पांडा की याद आई। मतलब मेरे एक दोस्त है पांडा, वो यहाँ पे सिगुड़ रहती है। मैंने उसको बहुत बार कॉल किया उसको फोन लगाने के लिए, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। अभी मैं क्या करूँ, तो मैं सीधा चल के आया, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ। पांडा, अगर तू ये ब्लॉग देख रही होगी ना, तूने बहुत मिस किया मेरे को। इतने साल से था तेरे को मिलने वाले आने वाला था, पर तू नहीं मिली, सो इट्स योर फॉल्ट पांडा, बाय बाय। मैं हमेशा सोचता था जैसे बाजू से कभी निकल जाऊँ तो मैं देख लूँगा, ये शॉट ले लूँगा। तो फाइनली मैं आज ये शॉट ले रहा हूँ। एक सेकंड विंडो नीचे कर दो, ये देखो, ये हमारा नवी मुंबई का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, और ये है अपना फ्लैग। अरे बाप रे, बहुत ही ऊँचा है यार, कोई बात नहीं, चलो। ऐसा कभी होगा क्या मुंबई में है, नवी मुंबई में, और इधर ट्रैफिक नहीं होगा? मैं वही सोचा, अभी तक ट्रैफिक मुझे क्यों नहीं मिला। लो, ये भी कसर पूरी हो गई। ये है ना डिकैथलॉन, चालू तो गया। सो ये है अपना डिकैथलॉन बेलापुर का। मतलब माँ कसम, मैं कब से वेट कर रहा था। मेरे एक फ्रेंड है पांडा, पहले आप देख लो ये डिकैथलॉन, आप मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। तो इससे पहले मैंने आपको जिक्र किया था, जो पांडा है, जो मेरी टीममेट है, जो काम कर दी है हमारे वीडियो के लिए। तो बात यह है कि मैंने उसको बहुत बार बोला कि पांडा, कि मेरे को डिकैथलॉन लेके चल, पर अभी तक मतलब कभी, दो साल में उसने मेरे को एक बार भी नहीं लेके गई डिकैथलॉन के लिए। मतलब हद है ना, ऐसे लगा कि उसका ही शॉप है, मैं उसको फ्री में लेके जाने वाला, मेरे को लेके जाएगी, अभी क्या बोले। और एक बार पांडा, दूसरी बार मैं तेरे को मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, मेरे को इतना मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, मेरे को पार्टी चाहिए तेरे तरफ से। तो ये देखो, फिर से बोल रहा हूँ यार, अभी भी लेके चल यार मेरे को प्लीज, क्योंकि इसकी बहन वहां पे काम करती है, इसीलिए मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा इसीलिए, और कुछ नहीं।
ओके बाय। हमारा सोसाइटी का गणपति, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सोसाइटी का गणपति। सो हालत देख लो, जस्ट आया मैं, क्यों भी अभी आप बोलेगा मैं फोर व्हीलर से गया और मैं यहीं से कैसे भीग गया, तो बाद में मेरे दोस्त को उसको मैं छोड़ने के लिए गया तो इसलिए मैं भीग गया हूँ। तो जरा फ्रेश होता हूँ और उसके बाद करो ताजा मिलता हूँ फ्रेश होके, ठीक है। आज का दिन बहुत एग्जॉस्टेड था। चलो सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड इवनिंग। तो हमारे घर पे एक बहुत खास दोस्त आया है, सुशांत। और कैसे लगा गणपति बप्पा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस एक ही कमी, अपना कैमरामैन नहीं है और मितेश नहीं है। अच्छा दोनों नहीं है, हावरे लोग है दोनों। पेड़े खाने की सी बात होते हैं लोग। चलो अभी कुछ बात करो तो उसके बाद मिलता हूँ। ये भाई देखो, हाथ फोल्ड करके बैठे हैं। कहीं रे हाथ दोनों बस ले, हाय बोल सका लो। ये बूबू बूबू घरी थे ना? हाँ जा रहे है भाई साहब, जा रहे है बिना खाए पिए जा रहे है। ऐसे तो सबको चाहिए, बाय बिना खाए पिए जाएगा, अच्छा है ना, मेरा बच जाएगा, लड्डू बच जाएगी। चलो अलविदा बोलते हुए फिर मैं देखता हूँ, आरती का टाइम हो गया ना तो देखता हूँ। हो गया फोटो सेशन चालू हो गया। हेलो